दो दिन पूर्व आपसी विवाद के कारण लाइन बाजार रमजान चौक छोटी मस्जिद के समीप हुई मारपीट में कुछ लोग जख्मी हो गए थे। इस मामले को वहीं के स्थानीय लोगों ने किसी तरह से समझा बुझाकर शांत कर दिया था, लेकिन महज एक रोज बाद एक मरतबा फिर से दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं, जिनका उपचार पुणे के सदर अस्पताल में किया जा रहा है। इस घटना के बारे में बताया गया कि 12 मार्च की सुबह लाइन बाजार बिहार टॉकीज मोड़ की चाय दुकान पर बैठे मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद अफान, मोहम्मद मासूम को अचानक 4 से 5 व्यक्ति द्वारा पीटा जाने लगा। इस दरमियान बंटी विक्रम, अकबर, गुफरान, अब्बास, शाहनवाज, लड्डन, खुर्शीद, गुड्डू तमाम लोगों ने मिलकर अंधाधुंध लोहे का रड और बेल्ट से मारकर सभी को बुरी तरह से घायल कर दिया। आनन फानन में घायलों को सदर अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। इस संदर्भ में स्थानीय थाना को सूचना दी गई। स्थानीय थाना पुलिस जब तक मौके पर पहुंचती तब तक स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को उपचार के लिए पुणे के सदर अस्पताल पहुंचा दिया था। इस संदर्भ में पुलिस में शिकायत की गई है, किंतु तत्काल पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई थी और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कुछ नहीं था सर, हम लोग बैठ के चाय पी रहे थे। बंटी था, उसमें विक्रम था और अकबर था और गुफरान था और 10-15 लड़का और था। 5-6 मोटरसाइकिल से आया था और ज़बरदस्ती आकर के हथियार का कुंदा से मारा है और ईटा से मारा गया है। और इसके पीछे सारा साजिश जो है ये जैन का किया हुआ है, राजाबाड़ी का। ये आपराधिक छवि का आदमी लोग है। 10 तारीख को भी थोड़ा सा नोकझोंक हुआ था, जिसमें नोकझोंक हुआ था। वो कुछ गाली उली मोहल्ला में आके बक रहा था किसी वजह से, तो मेरा दोस्त था छोटू, वो उसको समझा करके एक थप्पड़ मार के भेज दिया। अब वो पूरा गैंग लेकर के जैन राजा पीछे पीछे और बाकी सारा जो है लोग आगे आगे आकर के उस दिन भी मारपीट हुआ था, जो कि थाना में एप्लीकेशन भी दे दिया गया था। उसके बावजूद आज फिर हम लोग बैठ के चाय पी रहे थे, फिर से आकर के हम लोगों को मारा गया है।